वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फिदा। सीरीज चल रही है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ओल्ड पेपर्स को डिस्कस करने की, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पास्ट पेपर्स को। आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा मुल्तान बोर्ड के पेपर 2016 ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों को। आज की इस वीडियो में दो पेपर हैं, 2016 का ग्रुप वन का पेपर और ग्रुप टू का पेपर। स्टार्ट करते हैं। दैट वैली इज फेटल, लाइन है ओ वेर आर यू गोइंग पोएम की। फेटल खतरनाक, मौलिक, तबाहकुन। ऑप्शन डी डिजास्ट्रस। सेंटेंस नंबर टू, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस, ब्रांचेस को कहते हैं, शाख को कहते हैं। ऑप्शन ए ब्रांचेस, लाइन है लेयर पोएम में से। सेंटेंस नंबर थ्री, Who do you represent? Demanded Norma. Demanded तकाजा किया, मुतालबा किया, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी asked. Sentence number four, Mr. Hubert the peasant furiously lifted his hand. Peasant किसान, ऑप्शन ए farmer. Sentence number five, The king could not comprehend the wisdom. Comprehend समझना, ऑप्शन बी अंडरस्टैंड। सेंटेंस नंबर सिक्स, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, लाइन है लेसन नंबर 11 की, आई हैव अ ड्रीम। अनमाइंडफुल बेखबर होना, ऑप्शन डी अनअवेयर। सेंटेंस नंबर सेवन, टू स्टर्डी विलेजर्स कैरिड इट अवे, बात हो रही है मेहरुन्निसा की, पालकी की। स्टर्डी मजबूत, ऑप्शन ए स्टाउट। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लें जी। सेंटेंस नंबर एट, आई नोटिस्ड अ कार पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन, नोटिस्ड देखा, गौर किया, ऑप्शन बी ऑब्जर्व्ड आएगा। ये लाइन है फर्स्ट प्ले में से, लड़की जब उस वाक्य की तफसीलात बता रही है जब उसने देखा था कातिल को लाश फेंकते हुए। सेंटेंस नंबर नाइन, आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट, ये लाइन बोलता है मिस्टर स्पेल्डिंग अपनी बेटी के हवाले से, जब वो बात करता है कि उसे जॉन से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर गेट अप एंड गो नहीं है। तो सेंटिमेंट जज्बात, एहसासात, ऑप्शन डी फीलिंग्स। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 10, आई वांट टू क्विट एंड गो होम, ये लाइन बोलती है मिस मकीचियोन थर्ड प्ले में, क्विट छोड़ देना, ऑप्शन बी लीव। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर पोएम्स पर, लेसन्स पर और ओल्ड पेपर्स पर प्लेलिस्ट हैं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी जी। कम बैक टू पेपर, आगे हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में हाउ मच अवे वाज द गर्ल फ्रॉम होम, बात हो रही है फर्स्ट प्ले की लड़की की, कि उसका घर बस स्टेशन से कितना दूर था, 8 miles, ऑप्शन सी। नंबर 12, स्पेल्डिंग सेज दैट हिज डॉटर इज अनग्रेटफुल, जहाँ पे वो लाइन बोलता है कि मोर अनग्रेटफुल देन सर्पेंट्स ट्रूथ इज, वो वाली लाइन, तो वहां पे वो कहता है कि उसकी बेटी जो है वो अनग्रेटफुल है, नाशुक्री है। सेंटेंस नंबर 13, मिस्टर जेम्स वास द, मिस्टर जेम कौन था, केयर टेकर था पीस ऑफ स्ट्रिंग स्टोरी में, ऑप्शन सी। सेंटेंस नंबर 14, जॉर्किंस विजिटेड यूरोप व्हेन फूड यूज्ड टू बी चीप, ऑप्शन बी। सेंटेंस नंबर 15, लूथर होप दैट हिज चिल्ड्रन वुड बी जस्ट बाय कैरेक्टर, ठीक है, जहां पर वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा वेयर माय फोर लिटिल चिल्ड्रन विल नॉट बी जस्ट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट विद द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, मैं थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करने लगा हूं जी। सेंटेंस नंबर 16, इफ ही डैश द मैच वी वुड विन, इफ शर्त को शो करता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इट मीन्स के पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इफ ही प्लेड द मैच, ऑप्शन सी।
नंबर 17 ही एस वेल एस आई इज ब्रेव। रूल ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाता है एज वेल एज के साथ, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ मिलाया जाएगा, पहला सब्जेक्ट हमारे पास ही है, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है आई, ठीक है, ये दूसरा सब्जेक्ट ही हमारे पास, पहला सब्जेक्ट, दोनों को मिलाया किससे गया है, एज वेल एज से। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आना है, फर्स्ट सब्जेक्ट चूंकि ही है और ही के साथ इस आएगा, लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 18, गुड स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। गुड स्टूडेंट्स प्लूरल है तो डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, ऑप्शन ए। सेंटेंस नंबर 19, ही टोल्ड मी दैट ही डैश रीडिंग। दैट से पहले टोल्ड पास्ट टेंस है तो दैट के बाद भी पास्ट टेंस ही आना है। अब पास्ट टेंस की यहां पर दो ऑप्शंस हैं, वास और वर। ही चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ वास आएगा, ऑप्शन बी, ही टोल्ड मी दैट ही वास रीडिंग। सेंटेंस नंबर 20, दे डैश अ हाउस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इंडिकेट करता है फ्यूचर को, दे विल बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव, इसमें जी ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वाले हैं तीनों पोर्शन में। अगर कोई एक आध एडिशनल है भी तो वो आपके पास चॉइस है कि आपने उसको करना है, 6 करने हैं, फिर 5 करने हैं, फिर 4 करने हैं। स्टोरी ग्रेट इज अ कर्स है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, स्टेंजा है पोएम टाइम्स का, और पंक्चुएशन है गो अबाउट आर बिजनेस, ये थर्ड लेसन में से। बिफोर इज मैरिज मौलवी अबुल बरकत एलियस अबुल, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है लेसन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं जी, मुल्तान बोर्ड का 2016 ही का इवनिंग का पेपर ग्रुप 2। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट शमेंट कर दिया करो भी। जी ग्रुप 2 का पेपर, वेरी फ्यू पीपल आर वेल ऑफ, ये लाइन बोलता है हैरी जब वो ओके बाय द सी के इनहेबिटेंट्स को डिस्क्राइब करता है राइटर के सामने। वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर, ऑप्शन ए रिच। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, ये लाइन है सिंधी वुमन पोएम में से, बीनीथ नीचे, ऑप्शन डी अंडर। सेंटेंस नंबर 3, द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड, स्मैश कुछ ले जाना, ये लाइन है अ टेल ऑफ टू सिटीज पोएम में से, ऑप्शन सी क्रश्ड। सेंटेंस नंबर 4, शी डैश्ड ब्लाइंडली, टकरा जाना, ये जुमला बोला गया है उसकी हैरी की बेटी के लिए, लॉरा के लिए, जब वो खबर सुन के आती है जमीन पर एटम बम चल जाने की। लेसन नंबर 3, डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, तो डैश टकरा जाना या तेजी से जाना, तो ऑप्शन डी आएगा रश्ड। सेंटेंस नंबर मेक अ डैश वैसे होता है बहुत तेजी से जाना, तो डैश का मतलब यहां पर होगा लपक के जाना, तेजी से जाना, तो ऑप्शन डी रश्ड। सेंटेंस नंबर 5, द प्लॉस ब्रोक आउट, ये लाइन है लेसन नंबर 6 में से, जब बूढ़ा अपनी अचीवमेंट कर लेता है कोर्ट एक्रोबैट बनने की, तो तब की बात है, ये ब्रोक आउट शुरू हो जाना, बजना, तो स्टार्टेड आएगा ऑप्शन ए। जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर जी, दे ऑल वर वेरी नर्वस, नर्वस परेशान, ऑप्शन बी वरिड, ये जुमला बोला गया है मैथिल्डा के फादर और मदर के लिए, जब वो डॉक्टर के आने से पहले परेशान थे, लेसन है द यूज ऑफ फोर्स। सेंटेंस नंबर 7, दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, ये जुमला है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट में से, जब वो टिड्डी दल के आने पे टिकटिकी बांध के देखते हैं, ऑप्शन सी स्टेयर्ड। नंबर 8, दे हैड बीन नोटिसिंग मी, ये जुमला आथर बोलता है लेसन नंबर 15 में, नोटिसिंग देखना, तो ऑप्शन बी आएगा वॉचिंग। सेंटेंस नंबर 9, हर हेयर इज डिशेवल्ड, ये कहा गया है लड़की के बारे में, फर्स्ट फ्लेवरी लड़की के बारे में,
ऑप्शन ए आएगा डिसऑर्डर्ड। नंबर 10, यू आर अ स्पाई और होस्टाइल एलियन, स्पाई जासूस, ऑप्शन सी डिटेक्टिव। नंबर 11, एमसीक्यूज हैं, जॉन लैक्ट, जॉन के अंदर क्या नहीं है, गेट अप एंड गो, ऑप्शन बी। नंबर 12, द रैबिट्स वर राइप इन अक्टूबर, ऑप्शन डी। नंबर 13, रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉर्जियस, ऑप्शन ए। नो वन कुड काउंट डेलास लव, ऑप्शन बी। कुछ पेपर्स में यहाँ पे फीलिंग्स का ऑप्शन आता है, कुछ में रिगार्ड आता है, कुछ में लव आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है लव। स्क्रॉल डाउन करते हैं जी। सेंटेंस नंबर 15, द बस वाज लेट ड्यू टू स्टॉर्म, ऑप्शन ए। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 16, डू नॉट लेट हिम प्ले, लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है सी। ही इज टू वर्क, उसे काम करना है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑप्शन बी। दे डैश अ लेटर यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट है तो रोट, ऑप्शन ए। वी शैल बी गाइडेड बाय देम, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का फिक्रा है, ऑप्शन सी, वी शैल बी गाइडेड बाय देम। सेंटेंस नंबर 20, इफ ही हैड डैश द वर्क आई वुड हैव प्रेस्ड, ठीक है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है तो पहले से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी है। इफ ही हैड कंप्लीटेड द वर्क आई वुड हैव प्रेस्ड। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस के हैं, ठीक है जी। लेटर है फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कॉलेज, एप्लीकेशन फी, कंसेशन की, स्टोरी ऑन स्टेज, द बेस्ट पॉलिसी और यूनिट स्ट्रेंथ, स्टेंजा, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, पोएम नंबर 11, लेयर, और ट्रांसलेशन है द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स, पैराग्राफ है लेसन नंबर 3 में से। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको खासी हेल्प मिल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले किसी बोर्ड के पेपर की सीरीज में। अल्लाह हाफिज़।